गिनती अध्याय 20 कुल पद 29। पहले महीने में सारी इसराइली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या नार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इसराइल यूं कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया, परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। सो अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवाने ही पर है, सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इसराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गए। तब इसराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके
होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। सो तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इसराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। गिनती अध्याय 20 कुल पद 29। पहले महीने में सारी इसराइली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या नार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया।